केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार मजदूरों को रोजगार देने के लिए मनरेगा योजना चला रही है, लेकिन सरकार की इस योजना को उसके नुमाइंदे पलीता लगाते नजर आ रहे हैं और स्थानीय मजदूरों की जगह मशीनों से और बाहरी मजदूरों से कार्य करा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शिवपुरी जिले के सतनवाड़ा रेंज के मोहनी और बिलोनी बीट की, जहां वन विभाग पौधारोपण के लिए हजारों गड्ढे खुदवा रहा है और मजदूरों के खाते में भुगतान ना कर नगद भुगतान कर रहा है। विभाग ने कुछ गड्ढे तो मशीन से करा लिए हैं और मजदूरों को मजदूरी से वंचित कर दिया। इतना ही नहीं, वन विभाग ने स्थानीय मजदूरों की जगह करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित शाजापुर गांव से मजदूर बुलाकर काम करवा रहे हैं और इसी के साथ मजदूरों का कहना है कि 6 रुपए में वो 1 फुट का गड्ढा खोद रहे हैं, जबकि 1.5 फुट का गड्ढा खोदना है। वहीं जब मामले में वन विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कुल मिलाकर लाखों के वारे न्यारे अधिकारियों के हो रहे हैं और मजदूर हमेशा की तरह ठगा जा रहा है। आपका नाम क्या? सालिकराम। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं सालिकराम? गड्ढे खोद रहे हैं। मतलब ये कहाँ पे गड्ढे खोद रहे हैं? बिलोनी। बिलोनी में? हाँ। कौन से विभाग के हैं? रेंज विभाग के। तो ये गड्ढों की आपको जो है खुदाई क्या दे रहे हैं ये लोग रेंज वाले? 6 रुपए के। 6 रुपए? मतलब 6 रुपए का क्या मतलब? 6 रुपए गड्ढा? हाँ गड्ढा। ऐसा तो अभी तक आपने कितने गड्ढे खोद लिए? 6-7। और गड्ढे यहाँ पे बहुत छोटे छोटे खोद रहे हैं और सर वो मजबूरी नहीं पा रही, तो छोटी छोटी तो कर नहीं पा रहे, ये भी मजबूरी नहीं पा पा रहे। ये काय के गड्ढे खोद रहे हैं? मतलब जो पता नहीं पौधा लग रहा है, पौधा कहा तो लग नहीं है। नहीं मतलब जो है किस विभाग में खोद रहे हो? रेंज विभाग में। रेंज विभाग में? हाँ। तो यहाँ पे ये आपको गड्ढों की मजदूरी कितनी दे रहे हैं? 6 रुपए। 6 रुपए गड्ढे के हिसाब से? हाँ। तो दिन भर में आप कितने गड्ढे खोद लेते हो? 20 गड्ढे खोद पाते हैं सर। अच्छा, तो गड्ढे की गहराई क्या है? गहराई तो अभी 1.5 फुट गहरा और 1.5 फुट चौड़ा। ये गड्ढे तो आपके छोटे दिख रहे हैं, यहाँ सभी गड्ढे छोटे हैं। तो अभी तो मजदूरी कहाँ दे रहा है? मैं अभी बालाघाट से स्थानांतरित होकर के आया हूँ। मैंने सीमित मात्रा में ही भ्रमण कर पाया है। मेरे भ्रमण के दौरान कहीं भी मुझे मशीनों से काम होता हुआ नहीं मिला है। और जो आप पेमेंट की बात कर रहे हैं तो पेमेंट तो DFO साहब के द्वारा लेबर के खाते में ही किया जाता है। शेष बात के बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। तो मशीनों से काम कराया जा रहा है, उसके बाद आप क्या कार्रवाई? उसके बाद मैं जांच करूंगा उसकी।